एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कितने सारे अमरूद गिरे हुए हैं। ये हमारा छोटा सा एक जो बगीचा है, इसमें आम अमरूद सब कुछ लगे हुए हैं। अमरूद बहुत सारे गिरे हुए हैं। मैं यहाँ पे बैठ कर झूला झूल रही हूँ। एक्चुअली पीछे थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, जो फिसफिस वाला बारिश होता है, रिमझिम रिमझिम बारिश, वो वाली बारिश हो रही है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा झूला पे बैठ के इन्जॉय करते हैं। जब भी मेरा मन नहीं लगता है, मैं झूला पे बैठ के ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ। इस वजह से थोड़ा सा ना मन मेरा फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। और पीछे थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा किया है। कल भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है। मतलब बहुत तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं सोचे चलो झूला पर बैठ के इन्जॉय करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि कितने सारे अमरूद गिरे हुए हैं। एक्चुअली बहुत सारे अमरूद फरे हुए हैं। आप लोग को मैंने दिखाया था जब मैं मायके जा रही थी, उसके पहले ही छोटे छोटे से अमरूद निकले हुए थे। वो सारे अमरूद पक गए हैं और अब ये दिन भर गिरते रहते हैं पक पक के। कोई खाने वाला है नहीं, और जो भी है मतलब उतना कोई इंटरेस्टेड नहीं है खाने में, अमरूद खाने में। जब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो खाते हैं, मेरे मायके में तो सब बहुत सारे बच्चे हैं तो वो लोग खाते हैं। बट अभी तो मुझे सर्दी हुई थी और भी सबको घर में सर्दी का ही डर लगता है, इस वजह से ज़्यादा अमरूद कोई खाता नहीं है। और इतना ज़्यादा अमरूद मतलब निकल जाता है ना कि फिर वो सस्ता भी नहीं है। तो ऐसे ही सर सर के गिर रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी तो झूला झूल ली थोड़ा सा, और इसके बाद सोची कि अब झूला झूल ली हूँ तो थोड़ा मन मतलब फ्रेश हो गया है। तो उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। झाड़ू पोछा वाला काम मैंने पहले ही कर लिया है, थोड़ा लेट हो गया था। जब जिस दिन सफाई करोगे ना, उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हुआ है। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करेंगे काम। बारिश थोड़ा सा हम इंजॉय कर लिए और बारिश हो रही है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं रोटी बनाऊँगी और सिंपल सी आलू की भुजिया बनाऊँगी। आलू की भुजिया बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अभी तो मैं आटा गूंथ रही हूँ, और मैं गलती से आज बाल खुला चली आई हूँ किचन में, क्लचर ले आना भूल गई हूँ। बाल जो है वो बार बार आ रहा है आगे ना, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। और इस टाइम पे थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ मैं। जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो उसको प्रणाम जरूर करती हूँ। ये मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे, कि मतलब मम्मी भी हमेशा प्रणाम करती हैं आटा गूंथने के बाद, तो मैं भी मेरा भी यही आदत लग गया है। इसके बाद मैं आलू छील रही हूँ भुजिया काटने के लिए। तो यही है, थोड़ा सा आजकल बिजी हूँ। मैंने बताया था पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो डेली व्लॉग्स तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स मैं मतलब शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मैं भुजिया काट रही हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है गैस चूल्हे पे, कढ़ाई गर्म हो रहा है, आटा गूँथ के मैंने रख लिया है। तो ऐसे क्या होता है ना, आटा गूँथ लेती हूँ और फिर साथ में सब्ज़ी भी बनाती हूँ, भुजिया भी बनाती हूँ, तो जल्दी हो जाता है काम। थोड़ा सा दोनों तरफ एक एक चीज़ बना लेती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है। वैसे मैं जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम बचाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका था। इसमें मैंने जीरा डाल दिया और दो हरी मिर्च डाल दी हूँ। हरी मिर्च को चीरा लगा के नहीं डाली हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मतलब मेरे घर में मिर्च वगैरह सब लोग नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मिर्च मैं डालती भी नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन फिर डालती हूँ तो पति देव डांटते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आज मिर्च में चीरा नहीं लगाई। और इसके बाद मैंने आलू डाल दिया, हल्दी डाल रही हूँ अभी, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, लेकिन नमक अभी नहीं डालूँगी, अभी डाल दूँगी तो फिर ये गीला हो जाएगा। और भुजिया जो है एकदम करारी करारी सी बनाऊँगी मैं, बहुत मतलब आसान होता है इसको बनाना। गर्म तेल में जब भूजोगे ना आलू की भुजिया, एकदम करारी बनेगी। और इसके बाद एक तरफ मैं रोटी भी बनाने सोच रही हूँ। मैंने अपने बालों को जूरा बना लिया है, वैसे मेरे बाल बहुत लंबे नहीं हैं तो जूरा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट फिर भी जितना बन पाया उतना ही बना लिया मैंने, क्योंकि क्लचर मैं छोड़ आई हूँ रूम में और मैं सोची कि जाके ले आऊँ। फिर मैंने सोचा कि जितना देर मैं क्लचर ले आऊँगी उतना देर में तो 4-5 रोटी बना लूँगी, तो बाल जो है वो बार बार खुल खुल के गिर रहे थे। और रोटी मैं इधर बना रही हूँ, बस कुछ खास नहीं बनाना है, ये आलू की भुजिया और रोटी बनाना है। एक तरफ आलू की भुजिया मैं फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ रोटी बना रही हूँ। ऐसे काम ना थोड़ा इजी हो जाता है, दोनों तरफ का होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आटा गूँथ लूँ, सब्जी या भुजिया जो भी बनाना है वो काट लूँ, उसके बाद दोनों मतलब साथ में बना दूँ। तो ऐसे क्या होता है, जिसको भूख लगी रहती है वो बनते जाता है, खाते भी जाता है और काम भी जल्दी हो जाती है। थोड़ा सा मतलब सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी है और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, यही है बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आलू की भुजिया जो है एकदम करारी करारी से फ्राई हो चुकी है। अगर मैं नमक पहले ही डाल देती ना तो ये जो आलू था वो गीला हो जाता, पानी छोड़ देता नमक, और फिर उसके बाद ये करारी नहीं होती भुजिया।
तो इस वजह से मैं नमक अभी डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद मतलब धीमे आंच पे 5 मिनट तक और फ्राई मतलब करना है, और उसके बाद नमक जो है अच्छी तरह से इस भुजिया में मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको खा सकते हो भुजिया और रोटी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर दाल चावल भुजिया खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे घर में यानी मेरे मार्केट में हमेशा बनता था, तेल थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसलिए मैंने भुजिया को ऊपर तरह कर दिया है कि ऐसे जो तेल है ना वो नीचे रह जाएगा, भुजिया ऊपर हो जाएगा। नाश्ता बना के मैं आ चुकी हूँ और पसीना आप लोग देख सकते हो, मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बट गर्मी में बिल्कुल भी मतलब चेंज नहीं हुआ है, गर्मी जैसे थी वैसे ही है। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है ना, तो फिर बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसे तैयारी होगा क्या होगा। इधर बीच मायके भी चली गई ना, तो पढ़ाई लिखाई से एकदम मन ही हट गया था, मतलब ध्यान ही नहीं दी, और फिर मायके से आने के बाद बीमार भी हो गई तो पढ़ाई बिल्कुल करी ही नहीं मैंने। तो अब जो है वो टेंशन हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो मैं अपना बेस्ट देने की तो पूरी कोशिश करूँगी, वैसे काम वाम भी हो जाता है ना तो मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जैसे भी टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ चलो पढ़ाई कर लो, क्योंकि अब ज़्यादा दिन है नहीं, एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर सब कुछ मतलब नॉर्मल हो जाएगा, फिर ज़्यादा वो नहीं रहेगा। पढ़ाई के साथ काम धंधा देखना, घर परिवार देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हो गया है शाम, और शाम के टाइम मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आलू और केला उबाला है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ केला का कोफ्ता। अभी मैं गई थी अपनी सासू माँ से पूछने तो उन्होंने कहा कि केला का कोफ्ता बना दो, तो आलू और केला मैंने उबाल लिया है। और इधर मैंने बेसन निकाल लिया है, इसमें मैं केला को डालूँगी और उसके बाद फिर केला का कोफ्ता बनाऊँगी। थोड़ा सा मुश्किल है मतलब टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं, 2 प्याज काटी हूँ मैं, और इधर मैंने अदरक लहसुन और मिर्च कूट लिया है इसमें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं केला का कोफ्ता बनाना। और इधर मैं केला छील रही हूँ, केला जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, आलू भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ एकदम से जल रहे थे, लेकिन ये है ना कि अब मैं आराम आराम से करूँगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और बार बार मम्मी का कॉल आ रहा है, क्योंकि सुबह से मैंने मम्मी से बात किया नहीं है, अभी रात के 9 बज रहे हैं, मैं एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो, तो बार बार मम्मी का कॉल आ रहा है कि आज कॉल क्यों नहीं करी, लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर करने के बाद ही करूँगी क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने केला छील लिया है और बेसन में मैंने केला डाल दिया, नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया। अब इसको घोल बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए जल्दी जल्दी से केला का जो बेसन के साथ हम मैंने मिक्स कर दिया, और इसके बाद जैसे पकौड़े छानते हैं ना उसी तरह से मैं इसको छानूँगी। केला का कोफ्ता बनाना मतलब ठीक ही है, मुझे उतना भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सासू माँ ससुर जी को पसंद है और उन लोगों ने कहा बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे कटहल का कोफ्ता बहुत पसंद है, बट केला हाँ ठीक ही है, कभी कभी खा लो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी की तरह इसको तल रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग से मैं कुछ बात भी करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैंने कल के ब्लॉग्स में सॉरी परसों के ब्लॉग्स में मैंने कहा भी था कि कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे आप लोग जब क्वेश्चन करते हो तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मुझे ये बुरा नहीं लगता है कि आप लोग से सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हो, मुझे ये बुरा लगता है कि मैं उस टॉपिक पे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी आप लोग को, ना ही कमेंट में या फिर ना ही अपने व्लॉग्स में। मतलब आप लोग समझा करो, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सबके साथ। अभी मैं रोटी भी बनाने लग गई हूँ, रोटी मैं अपनी ननद लोग के लिए बना रही हूँ। वैसे तो हम लोग, मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे पति देव, हम लोग चावल और केला कोफ्ता खाएँगे, बट मेरी जो ननद हैं वो लोग तो रोटी ही खाती हैं, पता ही है सबको कि डाइटिंग पे हैं वो लोग, तो उन लोग के लिए रोटी भी बना रही हूँ। तो बस यही है कि जब आप फैमिली में रहते हो ना तो बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बहुत कुछ होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं मेरे मतलब टच में, मेरे अपने बहुत ज़्यादा क्लोज, जिनको मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ। इधर जो सब्ज़ी है वो आलू वालू फ्राई कर लिया था मैंने, अब इसमें सिर्फ केला का जो मैंने पकौड़ी छान के रखा है कोफ्ता के लिए वही डालना है, तो बस उसके बाद सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने वो जो केला का कोफ्ता था वो मैंने छान के रखा है, तो अब जो सब्ज़ी उबलने लगा है तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो यही है कि बहुत सारे हैं, कुछ लोग मेरे रिश्तेदार, कुछ मेरे अपने, कुछ बहुत अपने, जो नहीं चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ। उन लोगों को लगता है कि मैं बदनामी कर रही हूँ यूट्यूब पे आके अपना लाइफ दिखा के, मतलब उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ। तो बस वो लोग यही देखते हैं कि मैं कब गलती करूँ और वो लोग कब मतलब मेरे को 4 बात सुनाएं
और फिर उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल बंद करा दे। तो क्या आप लोग चाहते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए? मुझे नहीं लगता आप लोग ऐसा चाहते होगे। और लोग सोचते हैं कि मैं बदनामी कर रही हूँ सबका, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं बदनामी कर रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं दिखाती हूँ, कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ। बट फिर भी सोचने वाले को तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो इधर मेरा सब्ज़ी रेडी हो चुका है, केला का कोफ्ता जो है वो बनकर तैयार है। आ जाइए आप लोग भी केला का कोफ्ता खाने और बताइए कि कैसा बना है। तो खाना वाना बना लिया है मैंने, पतिदेव अभी आए नहीं हैं, वो 9:30 बजे आते हैं, बट अभी 8 बज रहा है। तो डिनर तो कंप्लीट हो गया। मैंने केला का कोफ्ता बनाया था, चावल और रोटी बनाया था मैंने। और केला का कोफ्ता का रेसिपी मैं प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से तो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था। आप लोगों को पता ही है, मैंने कई वीडियो में बताया कि मेरे ससुर जी को जल्दी भूख लग जाती है, तो खाना थोड़ा जल्दी बनाना होता है। और 8 बज गया था तो जल्दी जल्दी हो गया था। कैमरा के साथ काम करने में थोड़ा सा ना दिक्कत होती है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से मैंने सोचा कि फिर कभी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी प्रॉपर एकदम शुरू से लेके लास्ट तक। और अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ। गर्मी थोड़ा कम है अभी, क्योंकि दोपहर में फिर बारिश हुई थी ना, तो उस टाइम से थोड़ा गर्मी कम लग रहा है, मतलब ठंडा मौसम कर रहा है। लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगा ही। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम अभी ठीक है। और अभी मैं पढ़ूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना वैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है। अगले 6 तारीख से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, आई थिंक आज 20 तारीख हो गया। हाँ, आज 20 तारीख है शायद, तो 20 तारीख आज हो गया और 6 तारीख को एग्ज़ाम ही है। मतलब मान के चलिए आपकी और मतलब 14-15 दिन है, और इसी में सब तैयारी भी करनी है। इधर बीच में मायके भी चली गई थी, तो ठीक से मतलब पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाई मेरी। तो एक ना वो टेंशन सी हो रही है कि कैसे तैयारी करूँगी, क्या होगा, काम भी होते हैं घर के, सब कुछ मैनेज करना होता है, और एग्ज़ाम सिर पे है तो मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है। बट कोई नहीं, अभी मैं मतलब अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं सोच रही हूँ पढ़ाई कर लूँ। और अभी पतिदेव आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ उनके आने के पहले, क्योंकि वो फिर आएंगे तो मैं उनके साथ खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे, तो उसके बाद फिर तो रात ही हो जाती है, 11 बज जाता है, तो फिर उसके बाद पढ़ाई हो नहीं पाती है उनके आने के बाद, क्योंकि उनको भी टाइम देना होता है थोड़ा। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी अभी रेगुलर, आप लोग समझना कि अभी जब तक एग्ज़ाम मतलब कम्प्लीट नहीं है, एग्ज़ाम जब तक नहीं दे देती हूँ तब तक मैं थोड़ा इरेगुलर रहूँगी। लेकिन कोशिश करूँगी बीच बीच में ब्लॉग्स डालने की, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट मैं एग्ज़ाम पे ही करूँगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, ऐसा नहीं कि भूल जाना मेरे ब्लॉग्स नहीं आएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करना आप लोग। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, अभी जा रही हूँ पढ़ाई करने। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद जय भारत।